जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अभी जैसे हमने स्क्वायर्स देखे, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट हमें इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें अगर उसको जल्दी सॉल्व करना है तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब मल्टीप्लिकेशन जब भी हमें करना है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिटिव एडिशन ऑफ एनी नंबर इज इट्स मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव एडिशन ऑफ एनी नंबर इज इट्स मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल ले, ये होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हम जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को डबल करना काफी इजी है और हाफ करना भी बहुत इजी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर को डबल करना पड़े, मतलब टू से मल्टीप्लाई करना पड़े, या हाफ करना पड़े, मतलब उसे डिवाइड करना पड़े, और बहुत ज्यादा पहुंच गया तो हम 3 तक जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम कभी भी 3 के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि सेकंड डबल या हाफ करने पे आंसर निकले, या नहीं तो बहुत ज्यादा हुआ तो 3 पे जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोसीजर लिख लीजिए, 100 upon 2 is 50, 50 by 2 is 25, 25 by 2 is 12.5, 12.5 by 2 is 6.25. अब देखिए, इसको हमारे पास काम क्या रहेगा? मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया, 8000 into 25 करना है, 8000 into 25 करना है। हमने यहाँ पे देखा, हमें 25 लाने के लिए दो बार उसे डिवाइड करना पड़ा है, हाँ, एक बार ये, एक बार ये। कुछ मत करिए, इसको अलग करके आप डिवाइड बाय 4 कर दीजिए और दो जीरोस जोड़ दीजिएगा लास्ट में। अगर टू जीरोस क्यों हमने जोड़े, देखिए हमें 8000 इंटू 25 करना था, हम इस 25 को 100 बाय 4 इजीली लिख सकते हैं, आ गया हमारा आंसर, काफी इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब मान लीजिए हमारे पास, अब कहा गया कि 8000 इनटू 12.5, अब इसको निकालना है, फिर से काफी टाइम का जूम होगा अगर आप 8 इनटू 12.5 ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो, लेकिन हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे। 8000 इनटू 100 बाय 8, 1000 equals to, ये आ गया आपका आंसर। हमें कोशिश करना है, हमें किसी तरह से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी ये जैसे कुछ इजी क्वेश्चन था, अब हम चलते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट है 88732, हमको इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हमको 50 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम ये इस पूरे डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमें 10 या 12 15 सेकंड या हो सकता है कि आधा मिनट तक लग सकता है, लेकिन अगर हमको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, बस हम कुछ मत करिए, जो अभी लास्ट बार बताया था 100 बाय 2, क्योंकि किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ दो जीरोस बढ़ाने होते हैं। अब इसको हाफ करना बहुत ईजी है, 4, 4, 3, 6, 6 और दो जीरोस, ये आ गया आपका आंसर, बहुत इजीली आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 88872, इसका हमको कहा गया है 25 से मल्टीप्लाई करिए। अभी आप इसको अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लगा देगा, बहुत ज्यादा समय लगा देंगे हम। कुछ मत करिए, इसको फिर से 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 1, 32 is 8
05 × 100 ये आ गया 2221 8050, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अभी आपने इसको ट्रेडिशनल मेथड से किया होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमसे ये पूछेंगे, इसके आसपास के डिजिट ही पूछे जाए या जो हमें पता है तो वही पूछे जाए, ऐसा तो है नहीं। चलिए देखते हम आगे हम और क्या कर सकते हैं। 872 × 49 अगर हमको करना है, इसको कुछ मत करिए, सिर्फ इसको हाफ करिए, 4 3 6, दो जीरोस ऐड करिए और -872, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? हमने 49 को 50-1 लिख दिया, ये हमने बचपन में पढ़ा था लेकिन आज तक अभी कभी अपन ने अप्लाई नहीं किया था। अभी आप अप्लाई करिए, देखिए कितने इजीली जल्दी जल्दी आंसर्स निकलेंगे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे 8 2 7 2 4, ये आ गया आपका आंसर, इतना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी अगर यहाँ पे हमको बोला जाता कि 51 से करके (51), हमको ये निकालने के लिए कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको हाफ करिए, 4 3 6, दो जीरोस ऐड करिए और इस बार 872 को आप ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। अब हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट में चलते हैं। मान लीजिए हमको उसने पूछ लिया 52.5, और 52.5 अगर वो पूछेगा तो हमारा हो सकता है टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाए। अभी अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे काफी समय लेगा, आप इसके साथ कुछ भी मत करिए, इसको पहले 4 3 6, फिर से इसको हाफ करिए 2 1 8, और ये आ गया आपका, जब आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका जब आपने 50 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम इन दोनों को उठा के प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 2180 = 08754, ये आ गया आपका आंसर। देख कितने इजीली आ गया। अभी क्या है, ये प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि हमें ये बार बार सॉल्व ना करना पड़े, ये सारी चीजें हमारे मन में ही हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमको 55 से मल्टीप्लाई करना है, हम फिर से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको 50+5 करना है। अब देखिए 50 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसको हाफ करना है, और जब आप 50 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हो और 5 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक डेसिमल शिफ्ट करना है या फिर अगर लास्ट में 0 है तो 0 को रिमूव करना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 3 6 6 0, दो जीरोस और 3 6 6, टू जीरोस, 0 0 6 12 1 0 4 4 0 6 4 0 2 6 0 0, ये आ गया इसका आंसर और काफी इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो अगेन बहुत समय लगा लेते। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो 1024 × 24, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 24 को हम 25-1 लिख सकते हैं, इसमें आपने क्या करना है, सीधे इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया आपका 2 5 6, दो जीरोस ऐड करिए और एक बार माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर।
24576 काफी इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब और भी कुछ थोड़े एग्जांपल्स हम लेने की कोशिश करते हैं, जैसे अब अगर हम इसको 39 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को और आंसर निकालने में हमें कुछ नहीं तो करीब मेरे ख्याल से एक मिनट तो लग ही जाएगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा, तो हो सकता है कि हमारा आंसर भी गलत आ जाए। ठीक है, अब मैं 39 को 40-1 लिख सकता हूँ, 39 को 40-1 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कहा था कि हम 4 पे जाएंगे ही नहीं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं हमको 4 से। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा टाइम कंज्यूम होगा। आप कुछ मत करिए, यहाँ पे 4162 क्योंकि ये 100 से था, ये हो गया आपका 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई किया और 8324 माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 6923 ये आ गया। ये भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, सिर्फ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब 4 से मल्टीप्लाई जब हम कर चुके हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो बस पे ऐड करना है और माइनस 8324 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये जो भी आ रहा है ये इसका ये आपका आंसर है 6 3 6 लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमें सोचना ना पड़े कि हमने करना क्या है आगे। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया गया 888 into 75 दिया गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगेन बहुत सारे टेक्निक से इसको सॉल्व करने की, मान लीजिए एक टेक्निक तो ये है 888 into 3/4 और 2 जीरोस, ये आ गया आपका आंसर, एक टेक्निक तो ये हो गई। सेकेंड टेक्निक 444 plus 222 666 और 2 जीरोस, अब ये आया कैसे ये देखिए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 50 और 25 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। काफी इजीली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हमको अगर बोला होता 888 into 72.50 72.50 चाहिए हमको, फिर से कुछ मत करिए, जो अभी अपन ने किया था सेम वही प्रोसीजर रिपीट करिए और एक बार 2.5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अब वो करेंगे कैसे देखिए, 444 दो जीरोस, 666 और 00। अब यहाँ पे माइनस, हमने 25 से मल्टीप्लाई किया ये आया, कुछ मत करिए 2.5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, मतलब एक जीरो रिमूव कर दीजिए, 2220 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 08346 64380 is your answer। अभी अगर हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से निकाला होता तो अगेन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता, लेकिन हमें ज्यादा समय नहीं लगा,
लेकिन इस चीज को जब भी आप करेंगे आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 दिन के प्रैक्टिस में आपके ये सारी कैलकुलेशंस आपके दिमाग में हो जाने चाहिए और हो ही जाएंगे। ये हो गई हमारे मल्टीप्लिकेशंस की बात। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इवन हमारे एग्जाम्स में भी उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो काफी बार होता है कि हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। जैसे 3.210 sorry 3.21 multiplied by 5.732 multiplied by 11.31 multiplied by 31.731। हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे या किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे काफी समय लगेगा अगर आप कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हो तो। तब इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक क्या होती है कि हमारे पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो हमको एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमको क्या चाहिए क्या। ऑप्शन में जो कुछ भी रहेगा, पहली कंडीशन यहाँ 1 है, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2 एंड 2 into 1 is 2। आंसर आपका जो भी रहेगा लास्ट डिजिट 2 होना कंपलसरी है। अगर लास्ट डिजिट 2 नहीं है किसी भी ऑप्शन में तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। पहली चीज आप ये देखती है। उसके बाद हम डेसिमल्स के बाद डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कुछ भी आंसर रहेगा उसका लास्ट डिजिट 2 रहेगा और डेसिमल के बाद उसमें 10 पॉइंट्स होंगे। ये पूरे मिला के हमारे पास 10 डिजिट्स होने चाहिए। कहीं पे भी अगर 2 डिजिट है 5 डिजिट है 6 डिजिट इवन अगर 9 डिजिट भी है तो 9 डिजिट वाला हमारा आंसर किसी हालत में नहीं हो सकता। हमारा आंसर वही होगा जिसमें लास्ट डिजिट 2 रहेगी और डेसिमल के बाद 10 डिजिट्स रहेंगे, वही हमारा आंसर हो सकता है। और 0 पॉइंट पे हमारा आंसर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 into 5 बस करेंगे 15 हो जाएगा, 15 into 11 into 31 काफी बड़ा जाएगा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा आंसर। ये आ गया 10 प्लेसेस। इधर से हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास एट लास्ट आंसर आने क्या वाला है। इसको हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसी टाइप का। 3.42 multiplied by 5.75 multiplied by 3.21 into 7.31। ठीक है, अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 1 1 5 और 2। लास्ट ईयर हमने सारे नंबर्स के चेक किए, 2 into 5 is 5 and 5 into 2 is 10। मतलब लास्ट डिजिट 0 रहेगा, लास्ट डिजिट 0 रहेगा। ये हमको सबसे पहले इस कंडीशन को देख के समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास डेसिमल के बाद 8 नंबर्स होने चाहिए। पॉइंट है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां पे भी हमें 8 डिजिट दिख जाए डेसिमल के बाद वो क्वेश्चन को टिक नहीं करना। क्यों? यहाँ पे लास्ट में 0 रहेगा और डेसिमल के बाद हम जब भी 0 का यूज करते हैं लास्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 आ चुका है,
और डेसिमल के बाद लास्ट में अगर जीरो है तो लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा उसमें डेसिमल्स के बाद 7 डिजिट होंगे, 8 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट जीरो रहेगा और वो जीरो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी आंसर रहे लेकिन 7 डिजिट रहेंगे डेसिमल के बाद और लास्ट में जीरो अगर दिया रहता है, डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो दिया रहता है तो 8 डिजिट जीरो को मिला के होंगे, नहीं तो नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं 3 4 by 5 plus 7 2 by 3 plus 3 1 by 4 plus 5 2 by 5 plus 6 7 by 10। इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे हमें बेसिक ऑपरेशन जो है वो अगर प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हो या फिर माइनस दिया हो, आप कभी भी इसका एलसीएम लेने की कोशिश मत करिए। एलसीएम लेके आप करेंगे काफी टाइम कंज्यूम होगा और एलसीएम निकालने में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे 3 4 by 5 है, इसको यहाँ पे आप देखिए 3 4 by 5 को आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये डिजिट अलग है और एक और ये डिजिट अलग है। अगर ये दोनों डिजिट अलग हैं तो 3 plus 4 by 5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 into 5 is 15, 15 plus 4 is 19, 19 divided by 5 अब जब करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें 4 by 5 करना है तो अब इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमें स्टार्ट करना होता है डेसिमल से, मतलब 0 point something आंसर आता है। लेकिन आप कुछ मत करिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, अब यहाँ से कंफ्यूजन आपका टोटली खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 8, अब जब यहाँ पे आंसर आ गया 8 point something आना चाहिए इसका आंसर, मतलब 8 आएगा, तो आप इसको उठा के डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो गया आपका 0.8 बिना कंफ्यूजन के। सिमिलरली अगर हमको 2 by 3 करना है फिर से कंफ्यूजन होगा, कुछ मत करिए एक जीरो जोड़िए, 0.66 आया, सॉरी 6.66 आया, कुछ मत करिए लास्ट मोड आगे इसको डेसिमल में शिफ्ट कर दीजिए 0.66 ये आपका आंसर है। अब देखिए कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3.8 plus 7.66 plus 3.25 plus 5.4 plus 6.7। अब इसको उठाइए जोड़ दीजिए, अब जोड़ेंगे भी कैसे देखिए, 3 plus 7 is 10 13 13 and 6 is 19 19 and 5 is 24 24, या आप लिखिए प्लस यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 0.66 है और यहाँ 0.4, तो इसको हम अप्रोक्स 1 मान लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1, मतलब हो गया 2, तो 2.8 इसका जो भी आंसर रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 26.8 रहेगा, 26.8 ये इसका आंसर आया। अब देखिए कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया गया, अगर आपने 3 का 5 4 10 5 इन सब का एलसीएम निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे काफी टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको ट्रांसफर करिए डेसिमल्स पॉइंट पे और उसके बाद जो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म्स में ही दिए रहेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करके देखेंगे, देखिए 5 into 3 is 15, 15 plus 4 5 plus 4 is 9, मतलब लास्ट डिजिट 9 आना चाहिए। अगर यहाँ इसका आंसर अगर लास्ट डिजिट में हमें 9 दिख रहा है तब तो ये आंसर सही है, नहीं तो अलग कर देंगे। सिर्फ हमें इतना करना है, फिर जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे करना है, विद इन 20 सेकेंड्स इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए।